हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज़रा का जायका। आज मैं आपके लाई हूँ तोरी और कीमे की मिक्स सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी लगती है। ये आप चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका लगता है। और इसके बहुत इजी से इंग्रेडिएंट है, हमने यहाँ ले रखा है टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन साथ में पीस कर इसका मसाला बना लिया हमने। और हमने लिया है प्याज कटे हुए, थोड़े खड़े मसाले हैं, कीमा है 150 ग्राम, गरम मसाला, मिर्ची, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, साथ में नमक है। तोरी को हमने मोटे मोटे साइज़ों में काट लिया, 2 हरी मिर्ची भी ले ली है हमने। और अगर आप कीमा नहीं डालना चाहते तो आप चने की दाल भी बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सरसों का तेल लिया था, तो 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला, गर्म किया, उसमें प्याज डाले और खड़े मसाले भी डाल देती हूँ। अब इन्हें अच्छे से ब्राउन कर लेना है प्याज को, और मसाले भी जो हमने खड़े डाले उसी में चटक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से हम ब्राउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कीमा। तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तो कीमे को हम डाल देते हैं, अच्छे से इसे मिला लेते हैं, इसके साथ थोड़ी देर भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर वाले मसाले जितने हमारे पास हैं, और हरी मिर्ची हमने डाल दी, हम सारे मसाले, नमक वगैरह डाल देते हैं, पीसे हुए मसाले भी हमने डाल देना है इसमें, जो हमने पेस्ट बना के रखा है टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का, उसको भी ऐड कर देते हैं और अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि ये तेल ना छोड़े। तेल छोड़ने के बाद हमने इसमें तोरी डालना है, क्योंकि तोरी काफ़ी पानी छोड़ेगा तो मसाला हमारा भुन नहीं पाएगा, इसलिए हमें पहले ही भून लेना है, अंडरस्टैंड। तो इसे हम 10 मिनट के लिए भून लेते हैं ढककर, और देखते हैं। अब देखिए, ये अच्छे से भून गया है, ये देखिए माशाल्लाह। अब इसमें हम थोड़ा इसको चला लेते हैं और फिर ऐड कर देंगे तोरी को, और फिर उसे भी हमने 2 सीटियाँ लगानी है, ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें तोरी को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने ज़्यादा सीटी लगा दी तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो आप फ्रेंड, इसे 2 ही सीटियाँ लगाएं, काफ़ी है इसके लिए। तो इसे अच्छे से मिक्स करके मैं ढक देती हूँ, 2 सीटियाँ आने का इंतज़ार करती हूँ। तो चलो, इसे ढक दो, बस करो, ज़्यादा ना चलाओ। चलो, ढक देती हूँ मैं इसे, बस पलक झपकते ही 2 सीटियाँ देखिए आ गई ना, क्या कमाल है। तो फ्रेंड्स, देखिए काफ़ी बाढ़ आ चुकी है हमारे तोरी और कीमे के अंदर। तो इसे हमें 10 मिनट और भूनना है, इसके थोड़े पानी को हमें चलाना है। और इसे आप इसी तरीके से भी रख सकते हैं, अगर आपको ऐसा पसंद है, थोड़ा पानी जला देते हैं तो और अच्छा टेस्ट आएगा निकल के। तो इसे हम चावल और रोटी से भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स, इसकी करेंगे गाढ़ा होने देते हैं, और फिर उसको लाते हैं प्लेट में और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना अच्छा सा ये रेडी हो गया बन के, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, इजी और आसान सी रेसिपी। तो आप ज़रूर ट्राई करें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आइकॉन प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खाते रहें, खुश रहें, और दुआओं में याद रखें, और फ्रेंड हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं। अल्लाह हाफिज़। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। बाय बाय।